हाय गाइस, नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम आज आरनगर ग्राम सभा चितौनी में आए हैं। यहाँ बहुत बड़ी डेयरी है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में गाय आप देख रहे हैं हमारे पीछे। तो ये यहाँ की बहुत मशहूर डेयरी है। और पहले आपको पूरा लुक दिखा देते हैं, यहाँ का रखरखाव दिखाते हैं। और गाय देखिए कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ जो गाय है वो 20 प्लस और दूध देती हैं, जो डेयरी पर लाभदायक हैं। और अच्छी नस्ल जो HF हैं, HF क्रॉस हैं, अच्छी ब्रीड की हैं। तो थोड़ा सा पहले आपको ये लुक दिखा देते हैं, तो यहाँ के ऑनर से भी बात कराते हैं। आप लोग पहले देख लीजिए, ये सब देख लीजिए, यहाँ का लुक दिखा रहे हैं आपको। ये इनका जहाँ चारा खाती हैं पूरा बना हुआ है, देखिए ये गाय भी चारा खा रही हैं। ये देखिए, ये पूछते हैं कि कितनी गाय हैं टोटल। तो ये देख लिया, बछिया है, अच्छी अच्छी क्वालिटी की बछिया हैं। और ये सब गाय देखिए, उनका थन वगैरह देखिए कितना ज़बरदस्त है। उनका आर्डर देखिए, और भी आगे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देख रेख करते हैं, उनको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये खिलाते पिलाते हैं गायों को, देखिए पूरा उनका भी। यहाँ अगर बारिश वारिश होती है तो ये भी ढका है, बढ़िया अच्छी है। और क्या नाम है आपका? नितिन चतुर्वेदी। नितिन चतुर्वेदी, आप ही देखभाल करते हैं यहाँ का ना? चलिए, नितिन चतुर्वेदी हैं और ये बहुत अच्छे पशुपालक भी हैं और बहुत सेवा करते हैं गायों का। और आगे बात कराते हैं। देखिए, अभी इस समय गाय के लगाने का टाइम है, तो सब लोग बिजी हैं, गाय को लगा रहे हैं, क्योंकि लगभग में 1.5 क्विंटल दूध उत्पादन होता है एक टाइम में, तो उसको लगाने में काफ़ी समय लगता है। और ये देखिए, पूरा रख रखाव इनका बहुत तगड़ी तरीके से है। ये देखिए, गाय एक से एक क्वालिटी की है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ सब अच्छी अच्छी नस्ल की गाय है, जो आपको जो किसान भाई रखते हैं HF वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो भी देखें और कमेंट करें, बताएं कि ये सब गाय कैसी हैं। और ये भैया लगा रहे हैं अभी दूध, इनसे बाद में बात कराते हैं, क्योंकि अभी ये देखे लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें लगाने में भी मेहनत लगता है। तो इनका नाम भी पूछते हैं और एड्रेस भी पूछते हैं, और देखते हैं कि दूध कितना देती है एक गाय। और बड़ी से बड़ी गाय हैं, और देखिए इसके मालिक हैं, देखिए हंस रहे हैं, अच्छे किसान भी हैं और बहुत खुशदिल आदमी हैं, इनसे भी बात कराते हैं। पहले पूरा डेयरी देख लीजिए, गायों का दर्शन कर लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा बात करते हैं यहाँ का। देखिए, अब यहाँ पर जो प्रकाश युक्त हवा युक्त पूरा जो वातावरण बना हुआ है, देखिए पानी की टंकी वगैरह लगी है। और दूध जो लगाते हैं वो बाल्टी से निकालते हैं और सीधे बड़ा एक कंटेनर है जो 40-50 लीटर का है, उसमें डालते हैं। अभी यहाँ पर लोकल के जो लोग हैं वो दूध लेने आते हैं, गांव के भी आते हैं, मार्केट से भी आते हैं, जो नौकरी पैसा वाले हैं वो भी यहीं से ले जाते हैं और प्योर दूध देते हैं। तो थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राजकरण चौबे। राजकरण चौबे, देखिए इस डेयरी के मालिक हैं और कितनी साधारण तरीके से रहते हैं, और बहुत जागरूक किसान है, बहुत जानकार इंसान है, और ये खेती भी करते हैं। देखिए, ऐसा पूरा एरिया इन्हीं का है, पूरा खेत जो इधर दिख रहा है। तो आप ये बताइए कि गाय से कितना लाभ है, इसके बारे में कुछ बताइए। अरे, जीविका बढ़िया चल रही भैया, बस यही लाभ है। जीविका चल रही है, अच्छा, मतलब रोजगार भी अच्छा है ना ये। देखिए, सेवा भी गायों का करते हैं और स्वतंत्र भी हैं। देखिए, अपने जबकि ये काम 2-3 घंटे का काम रहता है, बाकी तो देखभाल करेंगे और खेती भी करते हैं। और इसका गोबर वगैरह तो बहुत ज़्यादा निकलता होगा। और गोबर निकलता है, तो इसको क्या करते हैं, बेचते हैं कि अपने खेत में डालते हैं? फालतू हुआ तो बेचते भी हैं। अच्छा अच्छा, कितने रुपए ट्राली लगभग बिक जाती होगी? बिक जाता है 2000 रुपये ट्राली, 1500 रुपये ट्राली। देखिए कितना अच्छी बात बताएं कि ये गाय रखें, देखिए दूध तो बिक ही रहा है और साथ में अपने खेत में ये इसका प्रयोग करते हैं। और ये पीछे देखिए कंडा वगैरह लगाई, ये भी 5 रुपये का ये बिक जाता है मार्केट में, जो पिछली बार आपको वीडियो में दिखाए थे। और देखिए कितने साधारण तरीके से काम करते हैं, खुद रहते हैं। और एक इनके यहाँ जो काम करते हैं, क्या नाम भैया आपका? कोयले। बड़ा यार नामचीन नाम है आपका। और बताया, किसी फिल्म विल्म से आए हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे मजाक कर रहे थे, लेकिन ये भी देखभाल करते हैं। तो गाय आप नहीं लगा पाते क्या? नहीं लगा पाते, खिलाते थोड़ा सा देखभाल ही करते हैं। देखिए बछिया पकड़ रखे हैं और ये सब रखा, ये देखिए पूरा भूसा वगैरह देखिए इनका बना हुआ है। और ये सब देखिए आ रहे हैं, इनके ग्राहक धीरे धीरे आ रहे हैं सब लेने के लिए, काफ़ी लोग मतलब। और देखिए दूध लगा के आ चुके हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं, थोड़ा उसमें रख दें दूध, सब बात करते हैं।
मार्केट से आ गए हैं लोग दूध लेने के लिए, और यहीं से उनका दूध बिक जाता है, कहीं लेकर जाना नहीं पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं कि घाटा लग रहा है गाय में, वो लोग आँख खोल के देख सकते हैं कि थोड़ा सा सेवा करेंगे, जानकारी रखेंगे, तो आपको कहीं मार्केट में भागना नहीं पड़ेगा, कहीं प्रदेश भागना नहीं पड़ेगा, और खेती भी शुद्ध रहेगी, और पैसा भी मिलेगा, इनकम भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। तो क्या नाम है आपका? मुकेश चतुर्वेदी। तो आप ही इसका देखभाल पूरा करते हैं, और ये बताइए आप पढ़ाई कितना किए हुए हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए इनकी पढ़ाई भी अच्छी खासी, ऐसा नहीं है कि गांव के हैं तो पढ़ाई नहीं है, अच्छा जानकारी भी है और पढ़ाई भी किए हैं, और ये स्पोर्ट में भी अच्छा खेलते भी थे, क्योंकि हम इनको जानते हैं बचपन से। और ये पूरा देखभाल देखिए, जितना गाय हैं ये सब इन्हीं के अंडर में रहती है, कोई दिक्कत होती है तो ये संपर्क करते हैं और जानकारी लेते हैं। और बताइए, इसे लाभ है अच्छी तरीके से? जी सर, रोजी रोजी चलती है। तो एक गाय में लगभग में कितना दूध दे देती होगी आपकी? अरे 25 लीटर 30 लीटर 17 पच्चीस तीस हर तरह की गाय है इनके पास, हर तरीके की गाय है, कोई 25 लीटर है, कोई 30 लीटर है, कोई 20 लीटर है, लेकिन मान के चलिए कि इनके यहाँ 2 क्विंटल करीब उत्पादन होता होगा, 2 क्विंटल दूध का उत्पादन होता होगा। काफ़ी मात्रा में फ़ायदा होता है, जो उसका गोबर है वो खेत में जाता है, जो खेती के काम में आता है, और बहुत अच्छा इनकम भी है। तो किसान भाइयों को यही राय दूंगा कि वो भी गाय रखें, चाहे 2-4 गाय रखें, पशुपालन करें, उसका दूध खाएं, सेहत भी सही रहेगा, खेती भी शुद्ध रहेगी। तो धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।